नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक जो रिसेंट जजमेंट आई है सेक्शन 138 थर्टी एट ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आज के वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे तो इस केस के अंदर दोस्तों वीडियो आई है जिसका नाम है श्री सूजी बेनिफिट फंड लिमिटेड वर्सेस एम जगन नाथन तो जिसका क्रिमिनल नंबर है अपील नंबर है ऑफ जस्टिस हैमा कोहली की ये जजमेंट है तो इट इज वेरी यूजफुल जजमेंट फॉर एडवोकेट्स हु मेन प्रैक्टिस ऑन सेक्शन वन थर्टी एट तो काफी काम की जजमेंट है तो दोस्तों वॉट द सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन इन दिस जजमेंट इज दैट वंस अ पर्सन एडमिट हैंडिंग ओवर ऑफ अ साइंड चेक विद एन अमाउंट रिटर्न ऑन इट He cannot raise dispute regarding interest rate as a defense in prosecution for offense of uh, dishonor of check under section 138 of negotiable instrument act. यानी yani कि Supreme Court ने ये कहा कि अगर आपने एक बार आपने ये मान लिया कि आपने signed cheque दिया था जिसपे amount mention थी, तो फिर आप उसके बाद ये defence नहीं ले सकते कि मेरा interest rate का dispute था, right? तो कोर्ट ने ये लॉ इसमें लेट डाउन किया तो हम देखते हैं कि इसमें एक्चुअली फैक्ट्स क्या थे फैक्ट्स ये थे कि इस व्यक्ति ने 19 लाख ,00 का चेक चिटफंड चिट, 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 कंपनी को दिया था टूवर्ड्स दी आउटस्टैंडिंग ड्यूज एंड व्हेन द चेक वाज प्रेजेंटेड इट गॉट रिटर्न विद द एंडोर्समेंट ऑन दैट दैट अकाउंट इज क्लोज कि अकाउंट बंद है बंद हो गया है राइट right, तो ये एंडोर्समेंट पे आया उसकी चेक की जब वो रिटर्न हुआ तो फिर इस व्यक्ति ने जो है कंपनी ने केस डाला और वहां वो कन्विक्ट हो गया कन्विक्ट होने के बाद उसने अपील करी और अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया राइट एंड द चिट तो इसलिए जो ये कंपनी है जो फंड कंपनी है इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की राइट right? तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट एंड अपीलेट कोर्ट Have only gone only by scrutiny of interest amount mentioned on the check and affected in the statement of account of the appellant. And the evidence produced before the appellate court by the respondent to indicate that some repayment was made. This, according to us, is erroneous and cannot be sustained. is this is wrongly. एप्रीसिएशन ऑफ फैक्ट्स, राइट। तो कोर्ट ने ये कहा इस केस में बेसिकली कि जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी वो एक्चुअली सही थी वो मेरिट्स पे थी और उसने ट्रायल कोर्ट ने सही जजमेंट uh, दी है, और और हाई कोर्ट कोर्ट अपेलेट ने सही जजमेंट नहीं दी है कोर्ट ने ये भी कहा हैल प्रोसीडिंग अंडर एन आई एक्ट टू कंटेंट दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट

This is more than what the state government says. Uh, so he basically, you know, taken this plea. So the court this because this person has admitted that handing over of a signed cheque and with an amount written on it, he cannot raise dispute relating to interest, right? So this was uh, in this judgment of Shri Suji's benefit limited versus M. Jagannathan. तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया